एमएससीआईटी का जो सिलेबस है तो प्रैक्टिकल में जो रहेगा तो वो देखेंगे। प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है एमएससीआईटी का, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर से इंक्रीज कर देंगे फंड। अब इसमें सबसे पहले रहेगा एम पेंट, जिसको एमएस पेंट भी कह सकते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट आएगा प्रोग्राम्स में, उसका लगाने का स्टेप ऑल प्रोग्राम्स एक्सेसरीज वहाँ से रहेगा। उसके बाद है नोट पैड। नोट पैड ये बेसिक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है टेक्स्ट की एडिटिंग के लिए। और फिर उसके बाद है थर्ड वर्ड पैड। वर्ड पैड जो है तो वर्ड प्रोसेसर बेसिक प्रोग्राम है। नेक्स्ट उसमें हमें देखना रहता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो हम देखते हैं, तो एमएस ऑफिस जो कंटेंट है उसके अंदर तीन चीजें आएंगी। तो एमएस ऑफिस में सबसे पहले एमएस वर्ड 2013, एमएस पावर पॉइंट 2013 है, और एमएस एक्सेल 2013। इसी तरह से एक आउटलुक का भी कंसेप्ट है, एमएस आउटलुक, ये भी 2013 का। ये एमएस ऑफिस के सिलेबस में है। उसके अलावा हमारे पास में जो नेक्स्ट रहेगा, एमएस ऑफिस जैसे है तो नेक्स्ट है क्रोम से, मतलब क्रोम का इस्तेमाल, जैसे गूगल क्रोम हो गया। तो गूगल क्रोम, उसी तरह से ईमेल। तो ईमेल यहां तक का ये बेसिक जितना सिलेबस है एमएससीआईटी के प्रैक्टिकल में तो ये रहेगा। बाकी जो इसका थ्योरी का है, तो थ्योरी में कंप्यूटर से जिस तरह से हमने पहले ये चीजें देखी थी कि कंप्यूटर में डिस्क्रिप्शन कैसे रहेगा, मिसाल के तौर पे अंडरस्टैंडिंग विंडोज, ये पूरा याद होना जरूरी है। उसी तरह से फुल फॉर्म्स याद होना जरूरी है, मेजरमेंट्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स कितने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से आउटपुट डिवाइसेस क्या है, एमएससीआईटी का फुल फॉर्म क्या है, मेजरमेंट्स के बी एम बी कितने का बनेगा, ये सारी चीजें थियोरेटिकल में ये आपको आगे तक काम में आता है। ये फुल फॉर्म्स कंप्यूटर का, इरा का, ई लर्निंग रिजोल्यूशन फॉर ऑल, ये सारे जितने फुल फॉर्म्स इसमें दिए गए हैं, ये प्लेलिस्ट अलग से बना के रखी गई है इसमें बेसिक कंप्यूटर्स नाम से। एक्सटेंशंस किसके क्या है, फाइल फोल्डर कैसे बनाएं, डेफिनेशन कंप्यूटर की क्या है, इनपुट आउटपुट की डेफिनेशन क्या है, ये सारे चीज़ें जो आपके टेक्स्ट बुक्स में भी है और इसकी भी अलग से एक प्लेलिस्ट है, तो वो आप देख सकते हैं थ्योरेटिकल में। और प्रैक्टिकल में आपको जो आगे जॉब के हिसाब से भी काम में आता रहता है, और मेन इसमें प्रैक्टिकल ही करना इम्पॉर्टेंट होता है। थ्योरेटिकल एक एग्जाम की हद तक तो जहन में रहेगा ये फिर आगे तक, लेकिन प्रैक्टिकल आगे कभी भी कोई भी जॉब करने में आपको काम में आएगा। तो इस सिलेबस को नोट करके यहाँ पर आपको ऐसे टिक करना है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर बताना है कि क्लास, एक कॉलम बना देना है क्लास का और एक बना देना है प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकल का यहाँ पर हम फिलहाल में लिख देंगे PRA। और प्रैक्टिकल जैसे ही हो गया, क्लास जैसे ही खत्म हो गई, तो यहाँ पर टिक कर देना है कि डन, ऐसा कुछ लिख देना है, या फिर उसमें टिक कर देना है कि आपका क्लास में ये बताया गया है, और उसके बाद आपने प्रैक्टिकल क्या किया है और क्या असाइनमेंट बनाया है। तो यहाँ पर अगर आपने असाइनमेंट बनाए हो तो यहाँ पर डन लिख देना है। तो इस तरह से एक शीट को मेंटेन करना है आपको, इसको भी एक टाइम टेबल के तरह में एक बनाना है आपके पीसी में। और आपका ये सिलेबस होना चाहिए आपके नोटबुक में भी लिखा हुआ, और आपके कंप्यूटर में भी, नोट पैड वर्ड पैड में, और उसमें टेबल वाइज ये इसको टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप जब नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो इंसर्ट में टेबल से ये सारे कंटेंट रखते हुए बनाना है। और तीन सेक्शन में यहाँ पर जो सिलेबस है यहाँ पर आ जाएगा, और ये हुआ या नहीं यहाँ पर लिखने के लिए इतनी स्पेस रहेगी। तो ऐसा लिखकर इसको कंप्लीट करना है पूरा सिलेबस। थैंक यू।